हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नई ट्रेन जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था हमारे पिछले ब्लॉग में कि मैंने सोलापुर वंदे भारत में ट्रैवल किया था और सोलापुर रात को जो है रिटायरिंग रूम में स्टे किया था। सोलापुर के रिटायरिंग रूम के डॉर्मेट्री आप देख सकते हो स्क्रीन पे जहां हम रुके थे। अब आगे की जर्नी मैं आपको दिखाता हूं इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। इस ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं हैदराबाद से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली ट्रेन नंबर 22731 में। जी हाँ, और ये जो जर्नी है वो हमारी सेकंड एसी में होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम सेकंड एसी में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है ये सफ़र। वैसे ट्रेन तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, 4:35 का अराइवल टाइम था और 4:40 का डिपार्चर टाइम था सोलापुर से, लेकिन अभी तक तो ट्रेन आई नहीं है। टाइम हो गया है सुबह के 5, लेकिन अभी तक ट्रेन आई नहीं है, तो होपफुली ट्रेन जल्दी आ जाए। ये हमारे ही ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है, तो उम्मीद है कि अब ट्रेन जल्दी आ जाए। फ्रेंड्स, अब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, लाइट्स दिखने लग गई है ऑलरेडी हमें लोकोमोटिव की, तो आप एंजॉय कीजिए ट्रेन का अराइवल। और आज की ये हमारी लोकोमोटिव है WAP-7 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की, और ये है दिव्यांगजन के लिए कोच, और इसके बाद में आ रही है जनरल कोच, और जनरल के बाद है स्लीपर कोचेस। ये आ गई एसी 3 टायर की कोचेस। ये आई हमारी कोच। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन का डिपार्चर सोलापुर से हो चुका है। ट्रेन अराउंड 40-45 मिनट्स लेट चल रही है, लेकिन अब यहाँ से डिपार्चर हो गया है और अब हमने भी ट्रेन बोर्ड कर ली है और आगे की जर्नी अब मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन अभी डिपार्ट हो चुकी है सोलापुर से, और क्योंकि अभी सुबह के 5:15 ही बजे है, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ आगे। फ्रेंड्स, अभी हमारी ट्रेन जो है पुणे जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हो पुणे से डिपार्चर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हमने 5:15 बजे ट्रेन में बोर्ड किया था सोलापुर से, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट कर लेते तो सो गया था मैं, और जब आँख खुली तो भी ट्रेन पुणे पहुंच रही थी, तो इसके लिए मैं पुणे का आपको अराइवल नहीं दिखा पाया। हाँ, लेकिन मैंने आपको पुणे का डिपार्चर दिखाया है, और साथ ही साथ पुणे से हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, तो वो ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कैसा टेस्ट था, क्या प्राइसिंग था, और वो वर्थ इट है कि नहीं। हमने पुणे में ले ली है इडली और वड़ा। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये इडली और वड़ा कैसा है। इडली का टेस्ट अच्छा है, वड़ा का टेस्ट जो इडली से ज़्यादा अच्छा है, एकदम क्रिस्पी है, काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल 30 रुपीज़ में हमने इडली वड़ा लिया, तो ये 30 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी ही अच्छा था। सो मस्त। फ्रेंड्स, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और अब मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक्स दें, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे कितना नीचा है, ये प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से ये जो नेरे गैज वाले जो प्लेटफॉर्म होते थे वैसा लग रहा मुझे।
यहाँ पे भी घास वगैरह जलाए गए, पूरा जमीन काला हुआ हुआ है। इस रूट पे मॉनसून में ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ी है और खेत वगैरह है, हरियाली जो है अभी इतनी दिख रही है, तो मॉनसून में तो बहुत सुंदर हो जाता नज़ारा। अभी आपको भी पहाड़ी दिखेगी यहाँ पे सामने की तरफ। देखिए ये वाटर बॉडी जो चल रही है, कितना सुंदर लग रहा है, साथ में पैरेलल चल रही है ट्रेन के। और ये सुंदर सुंदर फूल भी कुछ दिख गए हमें, तो नज़ारा तो मतलब बहुत ही सुंदर है। और ये वेस्टर्न घाट्स में ही ये सब आते हैं। और ये ट्रेन की क्रॉसिंग, ये है कामसेट स्टेशन। और ये देखिए नदी यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही है। ये मुझे इस नदी का नाम नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और जो नज़ारा यहाँ पे मिल रहा है, बस मन करता है देखते रहो देखते रहो। यहाँ पे किसान खेतों में काम कर रहे हैं, सब जगह घास चलाई गई है। और हम लोग कंप्लेन करते हैं कि स्मॉग हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन ये घास जलाना भी तो एक कारण है ना पोल्यूशन बढ़ाने का। तो हमें यहाँ पे सस्टेनेबल मेथड्स यूज करने चाहिए, जिससे पोल्यूशन भी ना बढ़े, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हमें खुद को भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइन में छोटे छोटे ये बंगलो स्टाइल के घर बने हुए हैं, फार्म हाउस काइंड ऑफ बने हुए हैं सब। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करते हुए इस रूट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाटक है, रेलवे फाटक, और ये बाजू से प्लेटफॉर्म भी चालू हो रही है। और मलवली है स्टेशन का नाम, क्योंकि सामने से एक लोकल आती हुई मलवली के लिए। और देखिए यहाँ पर ट्रैक पे काम भी चालू है। ट्रेन में चाय ले ली है डिप वाली, तो देखते हैं कैसा है वो। वैसे तो उसके लिए प्राइसिंग जो है वो है 10 रुपये। तो बनाते हैं इसको पहले और फिर टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। कप तो बहुत छोटा हो गया, पहले से आप देखोगे तो ये बॉल टाइप का लगने लग गया है। बट चाय का टेस्ट ठीक है, जैसे पुरानी जो यादें थी डिप वाली चाय की, तो उससे तो बेटर ही है ये। एक और ट्रेन क्रॉस करती हुई बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रेन है अराउंड 40 मिनट्स लेट थी सोलापुर में, और अभी इससे थोड़ा सा तो कवर किया है, क्योंकि लोनावला पहुँचने में अभी अराउंड 25 से 30 मिनट की लेट दिखा रहा है। तो जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट का इसने कवर किया है। तो देखते हैं अब कब तक पहुँचती है लोनावला, और मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे इधर गुड्स के लिए लाइन है, मालगाड़ियाँ खड़ी हैं उस तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमारी ट्रेन फाइनली लोनावाला पहुंची है। फ्रेंड्स अभी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है लोनावाला से। आप लोग एंजॉय कीजिए डिपार्चर को। तो हो गया फाइनली डिपार्चर लोनावाला से, और अब ऑफिशियल होल्ड तो हमारा कल्याण ही है। तो अब देखते हैं उससे पहले कहीं पे टेक्निकल होल्ड या कोई और रीजन से रोकते हैं क्या। अगर रोकेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखे आखिर तक देखे। और ये खंडाला स्टेशन पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। अभी तो काफी स्लो हो गई ट्रेन यहाँ पे। खंडाला
खंडाला से फाइनली डिपार्ट हो चुकी है ट्रेन, और इस वक्त टनल से गुजर रही है हमारी ट्रेन, वी आर क्रॉसिंग द टनल। ये टनल के अंदर पूरा अंधेरा लगता है जब टनल के अंदर ट्रेन रहती है तो। और देखिए टनल से निकलते ही क्या शानदार व्यू दिख रहा है हमें वैली का यहाँ पे, और यहाँ पे भी शायद कोई ब्रिज का काम चालू है दिख रहा है सामने, और क्योंकि घाट सेक्शन चल रहा है तो टनल से मिलेंगे और नज़ारे भी मिलेंगे। देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पे, माइंड ब्लोइंग व्यू। अभी बैक टू बैक टनल से टनल आए जा रहे हैं, ख़त्म होता है कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरा चालू हो जाता है, फिर दूसरा ख़त्म होता है तो कुछ ही सेकंड में तीसरा आ जाता है, तो बैक टू बैक टनल आ रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा शूट किया है आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन अब ज़्यादा तो टनल्स में दिखा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा रहता तो क्या दिखाऊँ मैं, आप लोग को भी कुछ दिखेगा नहीं। और वैसे भी इस वक्त जो है घाट सेक्शन चल रहा है, तो घाट सेक्शन में तो आपको टनल्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, और करजत के बाद ही घाट सेक्शन जो है वो ख़त्म होगा। तो एक बार देखिए बात करते करते ही टनल चालू हो गया, तो अब जो है मैं आपको करजत पे ही मिलता हूँ, या उससे पहले कोई और स्टेशन वगैरह पे कहीं रुकी ट्रेन या फिर कोई स्टेशन आया तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। नज़ारे लाजवाब, इस रूट में बारिश में मॉनसून में ट्रैवल करेंगे तो और भी ज़्यादा नज़ारे मिलेंगे, और साथ साथ रेन में जो वाटरफॉल्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, अमेजिंग व्यू हो जाता है, अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्रेंड्स एसी टू टायर में आपको साइड में दो सीट्स मिलेगी, एक साइड लोअर, सीट्स को यहाँ से गिरा देंगे तो जो भी साइड लोअर जिसको अलॉट हुई वो लेट सकता है, और ये है साइड अपर। और अंदर की तरफ आपको यहाँ पे मिलेंगे दो सीट, एक ये अपर, दूसरा ये अपर, फिर एक ये लोअर और दूसरा ये लोअर। और ये जो लोअर है तो इसका ये बैक है, ये आप खोल के डाल सकते हो और फिर अपने आप यहाँ पे लेट सकते हो, इस तरीके से ये है, और बैठने के लिए इसको खोल दे तो आराम से आप बैठ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है हमको, और ये की जो लाइट है ये ऊपर वाली लाइट के लिए है, उसके बाद में टांगने के लिए सामान भी ये दे दिया है, एक मिरर भी दिया है, फिर वापस सामान टांगने के लिए ये दिया है, फिर यहाँ पे भी दो चार्जिंग पॉइंट्स दिया है, फिर एक नाइट लैम्प का ये है स्विच, और एक ये लाइट का स्विच और है। तो ये लाइट का स्विच जो है ये सामने की तरफ साइड अपर का जो लाइट है उसका स्विच है, साथ ही हर एक सीट के लिए एक ये रीडिंग लैंप दिया हुआ है, एक ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये अपर के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये लोअर बर्थ के लिए दिखेगा रीडिंग लैंप, ये साइड अपर का रीडिंग लैंप है, और यहाँ पे साइड अपर का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है अलग से, और ये साइड लोअर का रीडिंग लैंप है, ये स्विच ऑन करके ये ऑन हो जाता है, और यहीं पर साइड लोअर का चार्जिंग पॉइंट भी है। ये देखिए हमने खोल दी सीट को, ये खोल दिया और बिछा लिया, अब लेट भी सकते चाहिए तो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू, और इस रूट में नज़ारों की तो कमी होने ही नहीं वाली है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ट्रेन का वॉशरूम, जो कि काफ़ी क्लीन था, और देखिए यहाँ पे जेट स्प्रे भी है, उसके बाद में वॉश बेसिन नीचे डस्टबिन है, वॉश बेसिन में टैप है जिसमें पानी आता है अब देखिए, और फिर यहाँ पे जो है लिक्विड सॉप डिस्पेंसर है, हैंड वॉश है यानी कि, और मिरर भी है देख सकते हो आप। ये अलग ही ट्रेन है तो ये मालगाड़ी ही फुल्ली वाइट पेंटेड है, तो ये मुझे पता नहीं किस पर्पज़ के लिए है, अगर आप लोगों को आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। करजत स्टेशन, और करजत को हमारी ट्रेन ने बड़ी तेज़ी से स्किप किया है, ट्रेन भाग रही है फुल रफ्तार में अपनी, और यहाँ पे पहाड़ी वगैरह बहुत क्लियर दिख रहे हैं इस वक्त तो।
ये सफ़र तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाए और आप उन वीडियोस को मिस ना करें। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बस ये है कि थोड़े से घास जो ये ब्राउन ब्राउन हो गए, सूख गए हैं, ये अगर आप बारिश के मौसम में आओगे, मानसून में आओगे, तो आपको पूरी तरीके से ये ग्रीन दिखेंगे, और जो पहाड़ी वगैरह है उस पर पूरी ग्रीनरी छाई रहेगी, और आपको वाटरफॉल्स भी दिख जाएंगे। जो रेन मेड वाटरफॉल्स होते हैं वो आपको पक्का दिखेंगे बारिश में। और मैंने मानसून में एक जर्नी की थी गोवा से मुंबई के लिए विस्टाडोम कोच में, तो वो वीडियो में आप देख सकते हो कि कई वाटरफॉल्स मुझे दिखे थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर से देखिएगा। देखिए कितनी तेज़ी से स्किप कर रही है हमारी ट्रेन से। ये देखिए हमारी ट्रेन ने 101 किलोमीटर का भी स्पीड टच किया, और अभी भी देखिए 90 प्लस की स्पीड पे चल ही रही है, अब थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। फ्रेंड्स तो मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस वक्त रेलवे जो है काफ़ी डेवलपमेंट के काम में लगी हुई है, क्योंकि पूरे रास्ते में मुझे कई जगह जो है रेलवे ट्रैक्स पे मेंटेनेंस या फिर रीवर्क के काम को देखा है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, और कोचेस वगैरह की भी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि ये चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थी, मतलब इम्प्रूवमेंट्स दिखते ही नहीं थे, मेंटेनेंस दिखती ही नहीं थी, लेकिन अब दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है। सो आई वुड से थैंक यू इंडियन रेलवे, और इसी तरीके से आप आगे इम्प्रूव करते रहिए। फ्रेंड्स अब हमारी ट्रेन जो है वो कल्याण जंक्शन पहुंच चुकी है, और टाइम जो हुआ है इस वक्त वो हुआ है 12:05, और आप नेक्स्ट जो है वाया थाना होके दादर होके जाएगी, और थाने पर स्टॉपेज नहीं है, तो देखते हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स तो अभी जस्ट कल्याण जंक्शन क्रॉस हुआ है, और अब मैं आपको कुछ डिटेल्स वगैरह और बताता हूँ, लाइक कंपेयर करता हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको वंदे भारत दिखाया सोलापुर वाला, जिसे मैंने ट्रैवल किया था, और अब मैं सोलापुर से मुंबई वापस ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई एक्सप्रेस में, तो दोनों के थोड़े से कंपैरिजन और कंफर्ट लेवल वगैरह और फीडबैक वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ। सो स्टार्ट करता हूँ मैं मुंबई एक्सप्रेस में जो मेरा जो 2 AC में जो सीट है उसकी प्राइसिंग को लेके। तो इसका जो प्राइसिंग है वो है 1100, और मतलब सेकेंड AC में मैं तो फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा था, और सेकेंड AC इसलिए क्योंकि किसी और ट्रेन में टिकट मिल नहीं रही थी, किसी और कैटेगरी में भी टिकट नहीं मिल रही थी, तो फिर इसके लिए सेकेंड AC में ही टिकट बुक किया। और अब जब मैं इस ट्रेन में जर्नी कर चुका हूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा फीडबैक है कि लाइक मुंबई एक्सप्रेस ठीक है थोड़ी सी डिले हुई है, नो डाउट अराउंड 20-30 मिनट्स ओवरऑल डिले हुई है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है लाइक कंफर्ट लेवल, तो देखिए अब 2 AC या 3 AC में अगर आप ट्रैवल करोगे, आपको लेटने का मन किया तो आप आराम से लेट सकते हो, सो सकते हो, तो वो जो कंफर्ट है वो एक सीटिंग में नहीं मिलेगी, तो वो एक जो ड्रॉबैक है वंदे भारत का इस वक्त कि वो सीटिंग चेयर कार ही है, उसमें सीटिंग में ही है, चाहे एग्जीक्यूटिव चेयर कार हो या फिर नॉर्मल चेयर कार हो। फिर आते हैं जैसे मुंबई एक्सप्रेस में हमें फूड नहीं दिया जाता, बट हाँ यहाँ पे जो है लाइक लोकल वेंडर्स वगैरह आपको अलग अलग स्टेशन में मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए फूड सेल आउट करते हैं, और साथ ही साथ जो IRCTC के स्टाफ है वो भी चाय है नाश्ता वगैरह लेके आ रहे हैं, रेगुलरली घूम रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी आए थे, लाइक ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, और उसके बाद में इडली वड़ा वगैरह सब तो अवेलेबल है ऑप्शंस,
तो वो आप खुद से अपना पे करके ले सकते हो, क्योंकि इसमें टिकट में कैटरिंग इंक्लूड ही नहीं है, इस ट्रेन में भी कैटरिंग इंक्लूड नहीं है। और वंदे भारत की बात करूँ तो वो 308 रुपीज़ कैटरिंग का लेते हैं, बट आपने मेरा जो वीडियो है उसमें देखा ही होगा कि मैं जो डिनर सर्व हुआ था उससे उतना हैप्पी नहीं था, लाइक इट वॉज एवरेज। सो जो एक्सपेक्टेशन थी वंदे भारत के लाइक फूड क्वालिटी की, तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा। लाइक मैंने मुंबई गोवा का जो जर्नी किया था वंदे भारत का, तो उसमें फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी सर्व हुई थी। तो अब हम वापस से सोलापुर वंदे भारत और मुंबई एक्सप्रेस की जर्नी को ही कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली फूड क्वालिटी भी जो है वंदे भारत एक डाउन मार्केट, तो आप वहाँ पे भी फूड को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन वंदे भारत के साथ प्रॉब्लम यही होगा कि आप उतर के खरीद नहीं सकते हो हर जगह पे, तो आपको अपना खुद पहले से ही ट्रेन में बैठने से पहले से ही लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे के गेट ऑटोमेटिक से जल्दी बंद हो जाते हैं। कि अगर मैं स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ वहाँ पे भी फ्रेंडली थे, यहाँ पे भी फ्रेंडली है। हाँ, RPF वाले जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रोका था, लेकिन बाद में TT सर से बात करके जो है मुझे अप्रूवल मिल गया था, तो दैट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने रिकॉर्डिंग की है और कोशिश की है किसी भी पैसेंजर्स को डिस्टर्ब ना करूँ। बात करते हैं क्लीनलीनेस की, तो क्लीनलीनेस दोनों ही ट्रेन में अच्छे से मेंटेन्ड है। टॉयलेट्स वगैरह भी साफ़ है, कोच के अंदर का कंपार्टमेंट के अंदर का भी एरिया साफ़ है, तो ये अच्छी बात है। और एज ए पैसेंजर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको मेंटेन रखे, जो कि कुछ पैसेंजर्स को मैंने देखा कि चाय पिया, चाय का कप फेंक दिया वहीं पर, या और कुछ खाया वहीं पर फेंक दिया, तो ये चीज़ें हमें भी एज ए पैसेंजर सुधारनी पड़ेगी। बट ओवरऑल जो मैं बोलूँगा कि हाँ, इस मामले में वंदे भारत और मुंबई एक्सप्रेस सेम लेवल पर है। और ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली वंदे भारत 110 किलोमीटर्स मैक्सिमम स्पीड पर चल रही थी, और बट ये ट्रेन भी 100 किलोमीटर्स की मैक्सिमम स्पीड पर चलते हुए देखा है मैंने, 100-101 पे, तो अच्छा है कंपेरेटिवली। और ट्रैक्स वगैरह पर काम हो रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें जो है अपने इंडियन रेलवेज में जो ट्रेनों की स्पीड है वो और बढ़ते हुए दिखेगी, तो ये मुझे उम्मीद है कि आगे और ट्रेन की स्पीड जो है और इजाफा होगा उसमें। और अब बात करते हैं कि क्या वंदे भारत में ट्रेवल करना वर्थ है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको 3 AC में या 2 AC में टिकट मिल रहा है, या फिर और किसी क्लास में भी आपको टिकट मिल रहा है एंड आपको आराम से लेट के रिलैक्स होके जाना है, तो फिर डोंट ऑप्ट फॉर वंदे भारत, ऑप्ट फॉर अदर ट्रेन्स। बट अगर आप सिटिंग में कंफर्टेबल हो तो ही वंदे भारत आपके लिए है इस वक्त। तो जब तक स्लीपर वंदे भारत नहीं आती तब तक के लिए तो यही बोलना पड़ेगा, फिर जब वो आएंगी तब उनका कैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, वंदे भारत का जो सबसे बड़ा USP या सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है उसका टाइम सेविंग। वंदे भारत ये जर्नी मुंबई से सोलापुर 6.5 घंटे में करती है, जहां बाकी की ट्रेनें जो है 8.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है। ये था मेरा नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और इस ट्रेन में मैंने जो पैंट्री की चाय जो ली वो थी डिप वाली, तो अच्छी लगी मुझे वो डिप वाली चाय। एक लास्ट टाइम जब भी मैंने डिप वाली ली थी, कुछ टाइम पहले की ही बात है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बट अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मतलब चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, चाहे वो खाने की बात हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, तो अदर ट्रेन्स वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, बट ये है कि जैसे कुछ फिक्स वेंडर्स वगैरह है जिनका थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं चीज़ों को, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और रेलवे से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रेगुलरली इन चीज़ों पे क्वालिटी चेक करवाते रहिए, सरप्राइज ऑडिट्स करवाते रहिए, ताकि पैसेंजर्स को भी अच्छी सर्विस मिले और रेलवे का नाम भी ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो वंदे भारत में कल जो हुआ था उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब दुखी हो गया था, अंदर से मूड भी ख़राब हो गया था, बट ठीक है, फिर भी मैंने कवर अप किया बाद में, आप लोग के लिए ब्लॉग बनाया उसका। लेकिन ये जो मुंबई एक्सप्रेस की जर्नी थी ये काफ़ी अच्छा गया, हालांकि मैं थोड़ा लाइक सुबह उठने में लेट हो गया, तो अब पुणे से पहले का आपको जाया कुछ दिखा नहीं पाया, बट वहाँ से पुणे से मैंने कंटिन्यूसली आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है और बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे और आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करोगे सबके साथ में, जो भी आपके फ्रेंड्स है फैमिली है उन लोग के साथ में और कलीग्स वगैरह के साथ में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा उन लोग को।
देखिए ठाणे आ गया है, लेकिन ट्रेन जिस हिसाब से चल रही है लग नहीं रहा है कि ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है और अब ठाणे को तेजी से स्किप कर रही है, तो मतलब अब हमें CSMT तक जाना ही है। लखनऊ एक्सप्रेस थी फ्रेंड्स, अभी हमारी ट्रेन पहुंच गई है दादर। दादर मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट लोकल स्टेशन में से है और यहां से आपको अलग अलग एक्सप्रेस ट्रेन भी मिलती है। A few moments later. फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि है इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट या लास्ट स्टेशन। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई जर्नी में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।